हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स किए, 2:1, 4:1, 8:1। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सर ट्री करेंगे। मल्टीप्लेक्सर ट्री का मतलब क्या है? कोई भी हाई ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर बनाना यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, मीन्स कि हमें कोई 2:1 मल्टीप्लेक्सर दे रखा है और उसको यूज करके हमें 4:1 बनाना है या 8:1 बनाना है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर ट्री कहते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, इंप्लीमेंट 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो अनेबल इनपुट थी उसको यूज करके कर सकते हैं और दूसरा डिफरेंट ऑर्डर्स में हम मल्टीप्लेक्सर यूज करके कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स को यूज करके किस तरह से हमें करना है। यहां पर जैसे 4:1 मल्टीप्लेक्सर हमें बनाना है, तो जो भी मल्टीप्लेक्सर हमें बनाना है उस मल्टीप्लेक्सर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर में जो मल्टीप्लेक्सर लगेंगे वो 2 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर के लिए इसको फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है और इसका इक्वल क्या आ जाएगा? यहां पर 1 आ जाएगा। इट मींस कि ये हमें सेकेंड ऑर्डर में हमें यूज करना है। तो ये एक छोटा एग्जांपल है। यदि आपको यहां पर 32:1 दे रखा हो यूजिंग 2:1, तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऑर्डर्स यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मल्टीप्लेक्सर हमें यूज करने हैं। तो यहां पर 2 मल्टीप्लेक्सर फर्स्ट ऑर्डर में, 1 मल्टीप्लेक्सर थर्ड ऑर्डर में। इट मींस के 2+1 3 मल्टीप्लेक्सर हम यूज करेंगे, कौन से? 2:1। तो इस तरह से हम निकालते हैं अभी कैसे। यहां पर ये एक मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर है ये। उसके बाद ये सेकेंड मल्टीप्लेक्सर है 2:1। अब हमें क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो मल्टीप्लेक्सर हमें गिवन है, यहां पर हम क्या देखेंगे कि हमें अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर कौन सा है? अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर कौन सा है? 2:1। और रिक्वायर्ड मल्टीप्लेक्सर क्या है? 4:1। इट मींस के रिक्वायर्ड के लिए हमें, इसके लिए हमें सेलेक्ट लाइन कितनी रिक्वायर्ड है? सेलेक्ट लाइन इसके लिए जो 4:1 है, इट मींस के एन की वैल्यू यहां पर क्या है? 4 है। और यदि एम हम निकालें इसका, तो एम किसके बराबर आएगा? यहां पर 2 के बराबर आएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो n जो है दैट इज 2:m, तो n की m की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 2 आ जाएगी। इसका मतलब 2 सेलेक्ट लाइन हमें चाहिए ये हायर ऑर्डर का हमें मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए। बट जो अवेलेबल है उसकी तो एक ही सेलेक्ट लाइन है, तो जो सेकेंड सेलेक्ट लाइन है वो हम सेकेंड ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर से लेंगे। जैसे यहां पर 2:1 है, तो इसके लिए क्या होता है? यहां पर i0 i1 दो इनपुट होंगी इसकी और एक यहां पर आउटपुट होगी और एक ही यहां पर सेलेक्ट लाइन होगी। इसी तरह से इसको हम कहें दिस इज i2 और ये i3 है और ये सेलेक्ट लाइन एक रहेगी इसकी यहां पर इस तरह से। अब इन दोनों इनपुट को हमें सेकेंड ऑर्डर में क्या यूज करना है? एक मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। तो इन दोनों इनपुट को हम यहां पर देंगे और ये भी क्या है? 2x1 मल्टीप्लेक्सर है और इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगी। मींस कि ये फर्स्ट ऑर्डर में हमें 2 मल्टीप्लेक्सर यूज किए, देन एक ऑर्डर हमें नेक्स्ट उसमें यूज किया, तो इस तरह से हमें मिलेगा ये जो इसकी सेलेक्ट लाइन है यहां पर ये S1 रहेगी जो MSB होगी और ये S0 रहेगी यहां पर, दोनों की सेम सेलेक्ट लाइन रहेगी जो LSB का पार्ट रहेगी बेसिकली। तो अब इसको देखते हैं, इसकी यदि हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो किस तरह से ये काम करेगा बेसिकली। पर S1 S0 और यहां पर आउटपुट Y, इट मींस कि इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या रहेगी? 00 I0 01 I1 10 I2 11 I3। तो ये किस तरह से काम करेगा देखो, यहां पर S0 की वैल्यू 0 है, यहां पर ये वैल्यू क्या है? यहां पर
इसकी वैल्यू जीरो है यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां से क्या सिलेक्ट करेगी, यहां से आई जीरो को सिलेक्ट करेगा और इसकी वैल्यू भी जीरो है इनिशियली, तो ये क्या करेगा सिलेक्ट, यहां से आई टू को सिलेक्ट करेगा। इस आई टू और आई जीरो मीन्स के यहां पर हमें आई जीरो मिला, यहां पर हमें आई टू मिला। अब इस एस वन की वैल्यू भी क्या है, यहां पर जीरो है, तो एस वन की वैल्यू जीरो है, तो इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेगा, यहां पर इस टर्मिनल पर जो होगी इनपुट, तो इस टर्मिनल पर कौन सी इनपुट है आई जीरो, इसका मतलब आई जीरो को सिलेक्ट करेगा। अब सेकेंड केस देखते हैं, यहां पर सेकेंड केस क्या है, एस जीरो की वैल्यू वन है, यहां पर एस जीरो की वैल्यू क्या है वन, इसको हम काट देते हैं, यहां पर ये वन वैल्यू है यहां पर एस जीरो, तो वन के अकॉर्डिंगली क्या सिलेक्ट करेगा ये आई वन को, और यहां पर भी सेम रहेगा ये वन, ये किसको सिलेक्ट करेगा यहां पर वन के लिए आई थ्री को, ये आई थ्री और ये आई वन, फिर इसकी जगह पे हमने जीरो ही है यहां पर, और ये जीरो के लिए है ये वन के लिए है, तो जीरो पे क्या आ रहा है यहां पर आई वन, इट मीन्स के आई वन सिलेक्ट। तो इस तरह से ये एस वन और एस जीरो की वैल्यूज को हम यूज करके इन सारे की सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं यहां पर आई थ्री कैसे सिलेक्ट होगा। अब यहां पर मान लो दोनों की वैल्यू क्या है, एस जीरो भी वन है, तो एस जीरो वन का मतलब फिर से एस जीरो वन का मतलब क्या है, यहां पर आई वन आएगा, और एस जीरो वन का मतलब यहां क्या था आई थ्री, उसी तरह से आई थ्री ही रहेगा। अब यहां पर इस वन का मतलब क्या है कि ये इसको सेलेक्ट करेगा, किसको आई थ्री को, तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये ट्रुथ टेबल हमारी वेरीफाई होगी। तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर ट्री बना सकते हैं। तो ये था 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड।